तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खास पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी देखभाल बेहद जरूरी है, जहां हम बताने जा रहे हैं स्पार्क प्लग के बारे में। तो दोस्तों, कार हो या बाइक या फिर स्कूटर, हम लगातार आप इनकी देखभाल के बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खास पार्ट के बारे में बता रहे हैं जिसकी देखभाल बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट होता है और समय समय पर चार्ज करना फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि स्पार्क प्लग की देखभाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो, समय समय पर स्पार्क प्लग को चेक करते रहे। स्पार्क प्लग में अक्सर गंदगी जमा हो जाती है जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। अक्सर इसमें तेल के अवशेष चिपके रहते हैं जिसकी वजह से यह ठीक से स्पार्क नहीं कर पाता है और इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हर 2000 किलोमीटर पर इससे पहले इसे चेक करते जाए। तो दोस्तों, स्पार्क प्लग को सावधानी से निकालें और इसके लिए स्पार्क प्लग स्पैनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पार्क प्लग टिप के आसपास तेल जमा या काली परत दिखाई दे तो समझ जाइए कि इंजन की सही स्थिति में कम समय में चल रहा है। तो दोस्तों, यदि स्पार्क प्लग में आजू बाजू में कार्बन जमा है तो समझ जाइए कि आपको एवरेज बढ़ाने में यह दिक्कतें आ रही है और आपकी गाड़ी एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही है, क्योंकि यह स्पार्क प्लग के आजू बाजू में जो कण जमा होते हैं उसकी वजह से आपका ईंधन पूरी तरह से स्पार्क बर्न्ड नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से आपके एवरेज में माइलेज में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, प्लग को साफ करने के लिए इसे पेट्रोल या मिट्टी के तेल से साफ किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसे हमेशा सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। याद रहे, इलेक्ट्रोड के बीच में सही गैप होना चाहिए, मतलब ये स्पार्क प्लग होता है इसका जो गैप सही होता है तो ये सही टाइम पर सही मायने में स्पार्क इग्निशन होता है। तो दोस्तों, इसका आमतौर पर इलेक्ट्रोड गैप का अंतर होता है 0.8 mm से 1.2 mm होता है, मतलब 0.8 mm से 1.2 mm होता है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये गैप बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इस बार प्लग में। इसका गैप सही रखने से आपका गाड़ी का एवरेज भी सही आएगा और आपको स्पार्क स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपके गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्पार्क प्लग की संभावना हो सकती है, मतलब आपके स्पार्क प्लग में काला पड़ सकता है और आपके गैप में अंतर बड़ा या छोटा हो सकता है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, स्पार्क प्लग की सेटिंग अवश्य करवाएं, क्योंकि इसका गैप होता है 0.8 mm से 1.2 mm होता है। तो दोस्तों, स्पार्क प्लग लगाते समय बेहद ही सावधानी से लगाना चाहिए। कसते कसते इसमें बहुत ही ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, वरना इसकी थ्रेडिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, बाइक में पहले सिंगल स्पार्क प्लग लगता था, लेकिन अब मॉडिफाइड जमाने में दो स्पार्क प्लग देखने को मिलते हैं। इससे आपका कंबशन पूरा होता है और एवरेज में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, जब भी आप स्पार्क प्लग का ट्यूनिंग करें या कोई मेंटेनेंस करें तो यह चीज़ अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ खास थी बातें आपके स्पार्क प्लग के बारे में। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।